हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम प्रिंसेस का डिज़ाइनर ब्लाउज की ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये फैब्रिक ले लिया है, जिसकी मैंने लेंथ तकरीबन 1 मीटर तक रखी है, और इस फैब्रिक पर हम बाद में कटिंग करेंगे। पहले हम पेपर ड्राफ्टिंग बनाएंगे, उसके बाद फैब्रिक पर ड्राफ्ट को रखकर कटिंग करेंगे, और इसकी स्टिचिंग का वीडियो भी हम साथ ही शेयर करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हम सबसे पहले करेंगे। बैक पार्ट के लिए हमने ये पेपर ले लिया है। अब हम बैक पार्ट की लेंथ मेज़र कर लेते हैं। तो 14 लेंथ मेरे ब्लाउज की है, 14 इंच, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट में हम हुक और आई की पट्टी जॉइंट करने वाले हैं, तो जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक मार्जिन के लिए, स्टिचिंग के लिए है, वो सेम हम फैब्रिक पर ही ऐड करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एग्जैक्ट फर्मा बनाएंगे, तो यहाँ पर हम मार्जिन के लिए कोई फैब्रिक ऐड नहीं करने वाले हैं। तो टोटल जो भी हमारा मेजरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निशान लगा रहे हैं। तो 14 इंच मेरे ब्लाउज की लेंथ है, तो 14 इंच पर ही मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। तो ये मैंने लाइन स्ट्रेट कर ली है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बैक पार्ट बिल्कुल डिजाइनर बनाएंगे। तो इसमें हम स्ट्रैप जो पट्टी हमारी है, वो बैक पट्टी सिर्फ 1 से 1.25 इंच की हमारी पट्टी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो 5 इंच का हम यहाँ पर शोल्डर ले लेंगे। शोल्डर की जो लेंथ है वो हमारी है 14 इंच। 14 में से 2 इंच माइनस करने पर हमें यहाँ पर 5 इंच मिलता है। तो 5 इंच पे हमने शोल्डर के लिए मार्किंग कर ली है। आर्म होल जितना हमारा शोल्डर होता है, उसमें 1 इंच माइनस करके हम यहाँ पर आर्म होल के लिए निशान लगाते हैं। तो 7 इंच हमारा टोटल मेजरमेंट है शोल्डर का, तो 1 इंच माइनस करने पर 6 इंच होता है। 6 इंच पे मैंने ये मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग को हमें यहाँ पर स्ट्रेट करना है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल की लाइन को स्ट्रेट करना है। तो 5 इंच पे हमने यहाँ पर शोल्डर लिया था, 5 इंच पे हम बैक पार्ट का यहाँ पर आर्म होल के लिए निशान लगा रहे हैं, और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेते हैं। अब आर्म होल की गोलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। तो 1.5 इंच पर हम बैक पार्ट में आर्म होल की गोलाई लगाते हैं। अब हम यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितनी हमारी चेस्ट है, ये हमारा डीप नेक है बैक का, तो हम यहाँ पर चेस्ट 1/2 इंच कम लेंगे। तो चेस्ट का 4 पार्ट, चेस्ट का जो हमारा टोटल मेजरमेंट होता है, उसमें हम फोर्थ, उसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा आता है उसमें हम 1/2 इंच माइनस कर लेंगे इसमें। तो मेरा आता है यहाँ पर 9 इंच, मैंने 1/2 इंच माइनस कर लिया है, तो हम यहाँ पर लेंगे 8.5 इंच। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे, और इसी तरह से हम यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का जो 4th पार्ट है, वो हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे, और 1 इंच हम यहाँ पर टक्स के लिए ऐड करेंगे, और 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन ले लेंगे। तो ये टोटल मेजरमेंट को हम एक बार मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारा टक्स के लिए है, तो टक्स पॉइंट हमें निकालना है। चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच हम यहाँ पर टक्स का 4th पार्ट यहाँ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 10.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। चेस्ट का 10वां भाग हम यहाँ पर बस्ट पॉइंट की विड्थ लेते हैं। अब इन निशानों को हम नीचे स्ट्रेट कर देंगे। एक इंच हमने टक्स के लिए लिया है, तो 1 इंच को इधर 1/2 में डिवाइड करते हुए, और यहाँ पे हम टक्स पॉइंट की यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमें नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो नेक हमारा हम विड्थ लेंगे यहाँ पर 2.5 इंच, और नेक की लेंथ हम अपनी बैक पट्टी के अकॉर्डिंग लेंगे। तो आप जितनी बैक में पट्टी रखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लेंथ अपनी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 इंच की पट्टी रख रही हूँ, तो 3 इंच के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नेक इतनी हमारी नेक की जो हमारी लेंथ है, ये तकरीबन 11 इंच हो जाती है। तो अब हमारा जो नेक की शेप है, वो हमारी, हमने यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टी रखनी है नेक के लिए, बैक पार्ट के लिए। तो उस पट्टी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 1.5 इंच की यहाँ पर मार्जिन रख देते हैं यहाँ पर, और इस वाले निशान को हम यहाँ पर नीचे मिलाएंगे। जो हमारी नेक की शेप है, वो हमारी नेक की शेप हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस निशान को हम मिला लेंगे इस तरह से। तो जितना हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल लेंथ हुई है, उसको हम 1/2 में इस तरह से डिवाइड करेंगे। और
यहाँ तक हम इस लाइन को स्ट्रेट रखेंगे इस तरह से। अब ये पट्टी है, ये हमें जितनी इंच की पट्टी रखनी है उतना हम यहाँ पर लाइन को स्ट्रेट रखेंगे। तो डेढ़ इंच की हमने यहाँ पे मार्किंग की है, डेढ़ इंच की हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को भी हम इसी तरह से स्ट्रेट कर देंगे नीचे तक। तो ये पट्टी हमने स्ट्रेट कर दी है। अब यहाँ पर हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो जिस तरह की शेप आप देख रहे हैं हम सेम वही नेक यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमारा नेक ड्रॉ हो गया है। अब इस पट्टी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आर्म होल की शेप लगा सकते हैं। तो यही पट्टी हमें रखनी है। अगर आप चाहें तो इस पट्टी को काट सकते हैं, काट के अलग से आप इस पट्टी को ज्वाइंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी ये पट्टी ज्वाइंट हो जाएगी इस जगह पे। तो हमें इसी जगह पे यहाँ पे मार्किंग कर देनी है, यहाँ पे हमें अपनी पट्टी ज्वाइंट करनी है। तो ये मार्किंग मैंने कर दी है। ये पट्टी हम अलग से कट कर लेंगे अगर चाहें तो आप, और अगर नहीं तो यहाँ यहीं से आप इस पट्टी को ऐसे ही कट कर सकते हैं और आप आर्म होल की शेप यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो इस तरह से आर्म होल की शेप हम यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सेम वही ब्लाउज हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ब्लाउज का ये जो बैक पार्ट है थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग रखना, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो मैंने पहले मार्किंग की है आर्म होल की उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर निशान लगा सकते हैं अगर आप ये पट्टी ना चाहें तो। तो मैंने ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब ये पट्टी अगर आपको रखनी है तो ये पट्टी आप कट कर लीजिए, बाकी आप एग्जैक्ट यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं इस तरह से। तो ये पट्टी आप यहाँ से अलग करके और इसको इसी तरह से काट सकते हैं। ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा, ये हमारा मार्जिन हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा बिल्कुल अलग ही हो जाएगा यहाँ पर। तो इस पट्टी को हम थोड़ा सा दो पॉइंट कम कर देते हैं इस तरह से। तो ये एग्जैक्ट हमारी है जो मार्किंग हो गई है बैक पार्ट की, नेक की भी हमारी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा कम कर लेना है इस पार्ट को, तो हम यहाँ से एक इंच कम कर देते हैं और इस निशान को हम यहाँ से स्ट्रेट में मिला लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारा जो है ब्लाउज की शेप इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। और यहाँ से भी आप थोड़ा सा इसको अप कर सकते हैं, हाफ इंच, ज़्यादा नहीं करना है, हाफ इंच यहाँ से आप अप कर सकते हैं इसको। और अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसकी मार्किंग कर सकते हैं। तो ये मैंने इसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर दी है, ब्लाउज के अकॉर्डिंग जो हमने डिज़ाइन देखा है बैक में। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। इसी मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है इसकी, और इसी ड्राफ्ट को रखते हुए हमें बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। तो एक बार हम इसकी कटिंग कर लेते हैं एज इट इज़, जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। पार्ट की कटिंग के लिए पेपर मैंने ले लिया है। अब इसमें हमें वही लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। तो लेंथ हमारी 14 इंच है, तो 14 इंच में हम 1 इंच यहाँ पर प्लस करके मार्किंग करेंगे, क्योंकि बैक पार्ट में जो हमारा लेंथ होता है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंसेस कट की शेप ड्रॉ करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। तो ये मैंने 15 इंच पर मार्किंग कर दी है। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट में हमने 5 इंच लिया था, फ्रंट पार्ट में भी हम 5 इंच शोल्डर लेंगे और 6 इंच हम यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो जितना हमने यहाँ पर लिया है उससे हम हाफ इंच यहाँ पर कम लेंगे। तो 5 इंच हमने यहाँ पर शोल्डर लिया है, यहाँ पे हम 4.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ पर इस लाइन को मिला देंगे, आर्म होल के लिए गोलाई लगा लेंगे। तो 1 इंच पे मैं फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई लगाती हूँ। अब हम यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो 9 इंच हमारा चेस्ट का 4 पार्ट होता है और हाफ इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें हाफ इंच ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप रहने भी दे सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्किंग के लिए ऐड कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर अपना बस्ट पॉइंट निकालना है, उसके बाद हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो 10.5 इंच हमारा बस्ट पॉइंट है, 3.6 इंच हमारा यहाँ पर बस्ट पॉइंट की विड्थ है,
तो इसे मार्किंग को मैच करते हुए हम यहाँ पर नीचे एक पॉइंट बना लेंगे और इस लाइन को इस तरह से मिला देंगे। अब हमने जितना यहाँ पर लिया है उतना ही हम एक बार के लिए यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। अब हम यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग करेंगे तो 8 इंच हमारी यहाँ पर कमर का फोर्थ पार्ट होता है तो 8 इंच पे मैं मार्किंग करूँगी। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो गैप होता है उसको हम टक्स पॉइंट में ऐड करेंगे तो ये मेरा 3 इंच आता है तो 3 इंच को हम यहाँ से डिवाइड करके डेढ़ इंच पर दोनों साइड में निशान लगा देंगे इस तरह से और इस निशान को ऊपर 1.5 इंच तक हम स्ट्रेट रखेंगे तो ये 1.5 इंच है यहाँ तक हम इस निशान को स्ट्रेट रखेंगे इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंसेस कट की शेप लगाएंगे तो पहले हम यहाँ से शेप क्रिएट कर लेते हैं तो ये जो 10.5 इंच लिया है हमने यहाँ से 1 इंच ऊपर की साइड में एक पॉइंट लगाएंगे। इस पॉइंट पे हमें यहाँ के पॉइंट को मिलाना है तो यहाँ से 1 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। अब इस 1 इंच की मार्किंग की दोनों साइड में हम 1/2 इंच मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब इन मार्किंग को हमें यहाँ पर मिलाना है यहाँ पर हम प्रिंसेस कट की शेप के लिए यहाँ पर राउंड करेंगे इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से और जो यहाँ से यहाँ के बीच का गैप है उसको हम हाफ में डिवाइड कर लेंगे। ये जो गैप है ये यहाँ पर हम अपने दोनों पार्ट्स को ज्वाइंट करेंगे तो इस पॉइंट को मैच करते हुए हमें यहाँ पे ये दोनों पॉइंट स्टिचिंग करते टाइम ज्वाइंट करने हैं इसलिए मैंने ये मार्किंग कर दी है यहाँ पर। अब हम यहाँ नीचे की तरफ भी प्रिंसेस कट की शेप लगानी है तो इस तरह से प्रिंसेस कट की हम शेप लगा लेंगे और इधर भी हम यही मेथड फॉलो करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो और इसको हम इस तरह से यहाँ से इसकी प्रिंसेस कट की शेप भी हम यहाँ से लगा सकते हैं तो इस तरह से हम ये शेप हम लगा लेंगे तो ये प्रिंसेस कट की मार्किंग हमने कर दी। अब यहाँ पे हमें कमर के लिए मार्किंग करनी है तो यहाँ के पॉइंट को मेजर करते हुए और यहाँ पे हम चेस्ट का फोर्थ पार्ट रखेंगे। मेरा 8 इंच है तो मैंने यहाँ पे निशान पे 8 इंच रख दिया है और जितना हमारा यहाँ पे फैब्रिक था उतने पे हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे तो ये इतना फैब्रिक हमारा यहाँ पर पीछे बच गया था तो ये वाला हमारा हो जाएगा कमर और यहाँ से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इन मार्किंग को हम स्ट्रेट कर लेंगे तो बैक पार्ट की ये कमर को मेज़र करते हुए हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे तो ये जो फिटिंग वाला मार्किंग है इसको हम यहाँ पर एक बार के लिए रखेंगे इस तरह से और इन दोनों मार्किंग को फिटिंग वाली मार्किंग को यहाँ पर मेज़र करते हुए हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे कमर का जो हमारी कमर की लेंथ है उसका और यहाँ से भी हम इस लाइन को इसी तरह से इसके अकॉर्डिंग कर देंगे तो ये हमारी कमर का पॉइंट आ गया है। अब इस पॉइंट को हम यहाँ तक मिला देंगे। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी क्रिएटिव शेप करनी है तो यहाँ से हम 1 इंच 1 या 1/2 इंच आप ऊपर की साइड में निशान लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से। अब इस निशान को हम यहाँ पे मिला देंगे इस तरह से और इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से राउंड करते हुए यहाँ पे हम कटिंग करेंगे तो ये प्रिंसेस कट की मेरी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे हमें नेक के लिए मार्किंग करनी है तो 2.5 इंच पे हमने बैक पार्ट का नेक लिया था विड्थ में, यहाँ पे भी हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और हम यहाँ पर लेंथ हम अपने नेक की यहाँ पर वी शेप बनाएंगे तो वी शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं यहाँ पे 7 इंच 7 से आप 7.5 इंच लेंथ रख सकते हैं नेक की, आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ जितनी डीप रखना चाहिए उतनी डीप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 7.5 इंच रख रही हूँ और 2.5 इंच ही यहाँ पे मैं विड्थ रख के इस निशान को एक बार मेजर करके हाफ तक हम यहाँ पर नेक जितनी हमारी नेक की लेंथ है उसको इस तरह से हाफ में डिवाइड करेंगे और यहाँ पर हाफ में जहाँ पे आता वहाँ के पॉइंट तक हम यहाँ पर स्ट्रेट रखेंगे नेक को इस तरह से और यहाँ पे अब हम इसकी वी शेप लगा लेंगे तो इस तरह से दोनों पॉइंट्स को मैच करते हुए और हम यहाँ पर इसकी वी शेप लगाएंगे इस तरह से तो ये नेक की शेप हमारी लग गई है। अब हमने बैक पार्ट में जो हमारी पट्टी रखी थी हमने 1.5 इंच की पट्टी रखी थी उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर शोल्डर को कम कर देंगे और 1.5 इंच की यहाँ तक मार्किंग करते हुए
शोल्डर को यहाँ पे मैच कर लेंगे। तो इस तरह से इस शोल्डर को हम इस तरह से मैच कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर डाउन कर देना है 2 पॉइंट। तो ये फ्रंट पार्ट की ऑलमोस्ट हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये प्रिंसेस कट की भी हमारी मार्किंग हो गई है। अब इस पॉइंट को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हमें ये जो पार्ट है ये जॉइंट करने होते हैं यहाँ पर दोनों पार्ट। तो ये पार्ट हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है इस तरह से। अब चाहे तो यहाँ पर कट भी कर सकते हैं। तो अब इन सेम पैटर्न्स को रखते हुए ये हमारा फ्रंट पैटर्न है और ये हमारा बैक पार्ट का पैटर्न है। इन सेम पैटर्न्स को रखते हुए हमें बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर ली। तो ये देखिए मैंने पेपर पैटर्न को रखते हुए फैब्रिक पर मार्किंग कर ली है और एक्स्ट्रा हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी मैंने साथ साथ इसमें मार्किंग कर ली है, क्योंकि ये पैटर्न पे हमने मार्जिन ऐड नहीं किया था हाफ हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन। तो मैंने ये सभी पैटर्न्स में हाफ हाफ इंच मार्जिन करके मार्किंग कर ली है। ये हमारी बैक स्ट्रिप है, बैक में जो हम स्ट्रिप लगाएंगे। तो ये मैंने डबल फैब्रिक लिया है और यहाँ पे मैंने हाफ हाफ इंच चारों तरफ में इसमें भी मार्जिन ऐड कर दिया है सिलाई के लिए। तो ये देखिए ये मैंने ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें ये जो पार्ट है इनको स्टिच करना है। तो इन पार्ट्स को हम इस तरह से रखते हुए और स्टिच करेंगे। तो दोनों पार्ट्स हमें स्टिच कर लेने हैं। तो इस तरह से जो ये हमने ये वाला पॉइंट निशान लगा रखा है दोनों साइड में, इस पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से, और इस तरह हमें इसकी स्टिचिंग लगानी है। सेम इसी तरह से ये वाला पार्ट भी हमें यहाँ से स्टार्ट करते हुए और नीचे तक लेके आना है और इनकी दोनों साइड की स्टिचिंग कर लेनी है। तो ये स्टिचिंग हम लगा लेते हैं।
तो ये देखिए गाइस, हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज फ्रंट पार्ट स्टिच हो गया है। हमने शोल्डर भी स्टिच कर लिए हैं और नेक की भी हमने स्टिचिंग कर ली है। अब हमारा बैक पार्ट बचता है, तो बैक पार्ट की स्टिचिंग हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं प्रिंसेस कट की जो शेप है वो बिना पैड के भी हमारी कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। तो इस तरह से अगर आप भी प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे तो आपके ब्लाउज की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आपके बोर्ड पर फिट हो जाएगी और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला शेप। तो आप भी इसी तरह से स्टिच कर लीजिएगा। तो इसी तरह से अब हमें बैक पार्ट की भी स्टिचिंग कर लेनी है। तो ये बैक पार्ट हमारा हमने कट कर लिया है देखिए, और मैंने इसके दोनों साइड में ये हाफ हाफ इंच के जो हम यहाँ पे स्टिचिंग करने वाले हैं वो मार्जिन भी मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। और ये हमारा यहाँ पे हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे। तो ये पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं, दो पट्टियाँ मैंने हुक और आई के लिए। तो ये पट्टियाँ हम इसमें अटैच करेंगे पार्ट में इस तरह से, जिस तरह से हम नॉर्मल ब्लाउज में पट्टियाँ अटैच करते हैं हुकाई की, सेम उसी मेथड से हमें ये पट्टियाँ यहाँ पे स्टिच कर लेनी है। और यहाँ पे हमें यहाँ से हमें इस पार्ट को इस तरह से इसमें ये पट्टियाँ स्टिच करते हुए इस तरह से, और दोनों साइड में ये हमें यहाँ पर स्टिच करके और इस पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर फोल्डिंग से पहले हमने ये जो हमारी स्ट्रिप्स हमने ये काट रखी हैं, ये स्ट्रिप्स हमें स्टिच करनी है। तो इन स्ट्रिप्स को मैंने इनर पार्ट लिया है, इनर पार्ट के साथ मैं इनको स्टिच करती जाऊँगी। तो इस तरह से इनको हम इस पोजिशन में रखते हुए और इन दोनों पट्टियों को हम पहले स्टिच करेंगे इस तरह से। इस तरह से इन पट्टियों के हम दोनों साइड में स्टिचिंग लगा के और इनको पलट लेंगे, यहाँ और यहाँ हम स्टिचिंग लगा के इन पट्टियों को पलट के हम इनको सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों पट्टियों में स्टिचिंग हम यहाँ पे लगा लेंगे और इन पट्टियों को हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इनके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो पहले हम इन पट्टियों को स्टिच कर लेते हैं, फिर इसके साथ कैसे अटैच करनी है इस पार्ट के साथ वो मैं आपको बताऊंगी। पहले इस पट्टियों को हम स्टिच कर लेते हैं। ये पट्टी हमें पहले यहाँ पर स्टिच कर लेनी है इस तरह से, ये पट्टी स्टिच कर लेनी है हमें। जो ये हमने निशान लगाए हैं ये वाली स्ट्रिप ज्वाइंट करने के, ये वाले निशान, यहाँ निशान पर हमें गैप छोड़ देना है। यहाँ पे हमें स्टिचिंग नहीं लगानी है, इतना हम यहाँ पर गैप छोड़ते हुए और यहाँ पर स्टिचिंग लगाएंगे। यहाँ तक हमें ये स्टिचिंग लगा लेनी है, ये वाला पार्ट हमें छोड़ देना है। यहाँ पे हमें फिर ये पट्टी जब इसको हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद ये वाली पट्टी हम इसके साथ स्टिच करेंगे। तो एक बार ये वाली सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद ये पट्टी इसके साथ हम अटैच करेंगे। तो देखिए गाइस, ये है हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक, जिसको मैंने अच्छी तरह से स्टिच कर लिया है। प्रॉपरली हमारा स्टिच हो चुका है ब्लाउज, और ब्लाउज की जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट विदाउट पफ के भी हमारे जो प्रिंसेस कट ब्लाउज की जो शेप है किस तरह से कितनी अच्छी तरह से दिखाई दे रही है।
ये इसका फ्रंट लुक है और ये है इसका बैक लुक। तो जिस टाइप का डिज़ाइनर ब्लाउज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सेम वही डिज़ाइनर ब्लाउज हमने यहाँ पे स्टिच किया है। यहाँ पे हमने हुक और आई की पट्टी लगा दी है, यहाँ पे हुक आई अटैच नहीं किए हैं अभी, हम बाद में यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो गाइस आज का हमारा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको ये ब्लाउज का डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।